तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ये टूल्स। ये है आपका पेंट ब्रश टूल और ये आपका पेंसिल टूल। तो लेट्स स्टार्ट विद पेंट ब्रश। क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए। अब पेंट ब्रश टूल का इस्तेमाल ज्यादातर हम फ्री ड्राइंग के लिए करते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग होता है, अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप बनाइए, ठीक है? तो फ्री हैंड ड्राइंग आसानी से कर सकते हैं अपने इस टूल के साथ। लेकिन कभी भी आपके पास जो फ्री हैंड ड्राइंग का कंसेप्ट होता है वो आप दो तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके पास अगर पेन टैब हो, ठीक है, पेन टैब अगर आपके पास है तो आप ज़्यादा आसानी से करते हैं, क्योंकि तो माउस से फ्री हैंड ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप प्रैक्टिस करें अच्छे खासी तो आप आसानी से कर सकते हैं ये काम। लेकिन अगर आप देखते हैं माउस के वनस्पत अगर पेन टैब का इस्तेमाल करते हैं, पेन टैबलेट का, तो आप ज़्यादा आसानी से अपने हार्ड कोर ड्राइंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पर ये तो था फ्री हैंड टूल पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश के साथ और भी कुछ चीज़ें आती हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पेंट ब्रश टूल का एक ऑप्शन पैनल खुल जाता है। अब देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें जो है पेंट ब्रश टूल में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। कुछ ऐसी चीज़ें तब्दील कीजिए ताकि आप पेंट ब्रश का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाए। तो सबसे पहला फिडेलिटी है, स्मूथनेस है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखते हैं, पहले फिडेलिटी को करते हैं 0.5 है, ओके करते हैं और पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब फिडेलिटी को हम बढ़ाते हैं, तो अब मैं इसको बढ़ाऊंगा फिडेलिटी को और इंक्रीज करूंगा पूरा 100%, मतलब कि 20 तक जाता है, ओके करता हूँ। और फिर मैं इसी किस्म का एक बनाता हूँ। अब यहाँ पर फिडेलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज में स्मूथनेस नहीं, हार्शनेस लाना चाहते हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं कि मैं ये जिगजैग बनाया, ठीक है, और यहाँ पर ये जिगजैग बनाया, ठीक है, और फिडेलिटी कम करता हूँ तो ये जिगजैग में स्मूथनेस का पावर जो है ये कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये कम रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग देखोगे, ये ज्यादा रहेगा तो आप डिटेलिंग जो है वो कम देखोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्मूथनेस कितनी रखना चाहते हो, डिटेलिंग कितनी देना चाहते हो, वो हिसाब से आपने फिडेलिटी को तो कम और ज्यादा कर सकते हो। इससे आपको ब्रशिंग करने में आसानी होगी, ठीक है, चीजें जो आप बनाओगे वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आप ज्यादा आसानी से काम कर सकते हो। लेकिन उसी तरह अगर आपको डिटेलिंग ज़्यादा चाहिए तो आपको फिडेलिटी को जो है वो कम करना पड़ेगा ना। अब तो फिडेलिटी की बात हो गई, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है स्मूथनेस की। तो मान लीजिए कि आपने इसको 100% कर दिया और स्मूथनेस भी 100% कर दिया, ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने जो चीज़ में कर्व बनाया था वो कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसका मतलब है कि स्मूथनेस के कारण जो है वो रेशियो जो सही बनना चाहिए था वो कम ज़्यादा हो सकता है। वापस से क्लिक करते हैं, ठीक है, आपने देखा कि कितनी ज़्यादा मात्रा में स्मूथनेस इसने ले लिया। और इसी तरह से अगर मैं स्मूथनेस कम करता हूँ तो यही सेम चीज़ अगर मैं बनाऊँगा तो उसकी स्मूथनेस कम हो जाएगी और वो ज़्यादा मात्रा में आपको स्मूथनेस नहीं देगा। तो फिर से वही बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्शनेस चाहिए, डिटेलिंग चाहिए, तो आप स्मूथनेस कम रखें, और आपको डिटेलिंग नहीं चाहिए, चाहिए स्मूथ चाहिए, तो आप इसको अपने अनुसार बदल सकते हैं। नाउ इसको रीसेट करते हैं, तो रीसेट वैल्यू की देखिए स्मूथनेस की 0 होती है और फिडेलिटी की 4 होती है, तो आप बदल सकते हैं इसको। अगर आप कभी भूल जाते हैं कि आपने रीसेट में नॉर्मल क्या था, आप रीसेट कर दीजिए तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिल ब्रश स्ट्रोक। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, ओके करते हैं, और अब इसके अंदर जब भी मैं कुछ चेंज करूँगा तो
तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फिल ब्रश किया तो ये जो ब्रश का कलर था फिल वाला वो इसके साथ आने लगेगा। तो ये देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम इसको ऑन नहीं रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कीप सेलेक्टेड। ठीक है, कीप सेलेक्टेड क्या होता है? ओके करते हैं, ओके करते हैं। कीप सेलेक्टेड होता है जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये सेलेक्टेड नहीं होता। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि आप जब तक दूसरा नहीं बनाएंगे तब तक वो सेलेक्ट रहता है। तो इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं? मान लीजिए कि आपने इसे सेलेक्ट किया और इसे आपने बनाया और आप इसी को दोबारा चेंज करना चाहते हैं, तो ये सेलेक्टेड रहेगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कीप सेलेक्टेड को, तो एडिट सेलेक्टेड पाथ भी रखें। ठीक है, अभी एडिट सेलेक्टेड पाथ ऑन नहीं था, अभी एडिट सेलेक्टेड ऑन करते हैं और फिर चेंज करते हैं, तो आप देखते हैं कि नया नहीं बन रहा है बल्कि मैं उसी को बार बार चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी ड्राइंग को बार बार बदलना है, अपने हिसाब से करना है, तो आप क्या करेंगे, कीप सेलेक्टेड और एडिट पाथ दोनों को एक साथ ऑन रखें। और अगर आपको नई ड्राइंग बार बार बनानी है तो आप एडिट सेलेक्टेड पाथ को बंद कर दीजिए, कीप सेलेक्टेड के साथ आप नई ड्राइंग्स आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, न्यू ब्रश, इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं फिल ब्रश में, कीप सेलेक्टेड में ये सेलेक्टेड रहेंगे, और एडिट सेलेक्टेड पाथ में आप बार बार चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कीप सेलेक्टेड पाथ और एडिट सेलेक्टेड पाथ दोनों एक साथ ऑन रखना है आपको, तो आप अपने ही ड्राइंग में बार बार बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं आपके पास जिससे आप ब्रशिंग और फ्री हैंड ड्राइंग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मेन चीज को चेंज करना चाहते हैं तो आप ड्राइंग थोड़ी दूर कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि वो छोड़ देगा वहाँ पे, लेकिन अगर ड्राइंग पास पास करेंगे तो वो पकड़ता रहेगा और उसकी अपने हिसाब से चेंजेस जो हैं वो चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने देखा वो था ब्रश टूल, और ब्रश टूल को इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल टूल का इस्तेमाल हम करते हैं, क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और इसको बाहर निकालिए। इसमें आपको कुछ ज़्यादा टूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास पेंसिल है, स्मूथ है, पाथ इरेजर है, तो सबसे पहले हम पेंसिल टूल देखते हैं। पेंसिल टूल क्लिक कीजिए और आप ड्रॉ कीजिए कुछ भी। पेंसिल टूल जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए काम आता है और आप फ्री हैंड ड्राइंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको बनाना है तो बनाइए, आप फ्री हैंड ड्राइंग से आप आसानी से कोई चीज़ बना सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आप कॉपी पेंसिल पे जैसे आप काम करते हैं वैसे ही आप आसानी से इस पे भी काम कर सकते हैं। तो लेकिन इस फ्री हैंड ड्राइंग के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि माउस के थ्रू फ्री हैंड ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके पास पेन टैबलेट है या पेन टैब है तो आप आसानी से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने आसानी से मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर सकता हूँ, लेकिन उस फ्री हैंड ड्राइंग की क्वालिटी जो है आप देख सकते हैं उतनी बेहतर नहीं है। तो आप इसकी बेहतरी के लिए या तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या आप आसानी से पेन टैब के थ्रू फ्री हैंड ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दूसरी चीज़ है कि आप इसके अंदर देखते हैं कि इसके ऑप्शन पैनल में क्या है, तो डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर और उसका पेंसिल टूल का ऑप्शन पैनल खुल जाएगा। अब इसके अंदर रीसेट करते हैं इसको, इसकी फिडेलिटी है, स्मूथनेस है। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है कि ये कितना स्मूथ रहे। तो हम पहले 100% इसकी फिडेलिटी करते हैं, ओके करते हैं। जब मैं अपने पेंसिल टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने इसमें कितने सारे कर्व दिए थे और ये कर्व ना बनने की जगह क्या हो गया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे कर्व्स हैं, लेकिन जैसे मैंने इसे छोड़ा ये स्मूथ हो गया। आइए इसकी फिडेलिटी को कम करते हैं, 0 या 0.5। अब मैं अपनी छोटी छोटी जो ये रशेज हैं बनाता हूँ तो ये स्मूथ नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिडेलिटी में आपको क्या मिलता है, हार्शनेस और डिटेलिंग मिल जाती है, और अगर फिडेलिटी बढ़ा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ जाता है, उसमें डिटेलिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप फिडेलिटी कम रखते हैं और स्मूथनेस इंक्रीज करते हैं, तो
तो फिर से मैं वो छोटे छोटे डिटेलिंग वाले पार्ट बनाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि वो जो डिटेलिंग थी जो बहुत वो कम होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप कि आप अगर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो स्मूथनेस भी आप ज़ीरो कीजिए, तो आपको जो डिटेलिंग माइनर डिटेलिंग है वो सारी डिटेलिंग मिलेगी। और इसी प्रकार अगर आप फिडेलिटी और स्मूथनेस इंक्रीज करते हैं, तो जो फिडेलिटी और स्मूथनेस आपने इंक्रीज की है उसकी वजह से जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो अब आप ड्राइंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिटेल में ड्राइंग करना है तो स्मूथनेस और फिडेलिटी कम रखें, और स्मूथनेस बढ़ानी है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रीसेट करता हूँ, अब एक एक करके देखते हैं इसके ऑप्शंस में क्या क्या है। फिल स्ट्रोक है तो बात करते हैं, या अगर आप स्ट्रोक में कोई कलर फिल करते हैं और बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर। ठीक है, नाउ तो दूसरी चीज़ क्या है उसके अंदर, दूसरी चीज़ है उसके अंदर कीप सेलेक्टेड। तो मैं इसको चेक अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं जब भी कोई बनाऊंगा तो कीप सेलेक्टेड रहेगा और वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कीप सेलेक्टेड के साथ ऑफ करके एडिट सेलेक्टेड करते हैं तो जो आप बनाते हैं वो सेलेक्टेड नहीं रहेगा और एडिटेबल भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं दोनों ऑन करता हूँ, कीप सेलेक्टेड और एडिट पाथ सेलेक्टेड, तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड और चेंजेस में आपको क्या करना है कि आपको दोनों ही ऑप्शंस को ऑन रखना है ताकि आप आसानी से सेलेक्टेड पार्ट को एडिट भी कर सकें। तो ये तीन तरीके से काम करता है आपका पेंसिल टूल, फिल, कीप सेलेक्टेड, एडिट सेलेक्टेड पार्ट। ठीक है, नाउ और ये अब आपके पास था जो हम पेंसिल ऑप्शन टूल में, तो रीसेट करता हूँ, ओके करता हूँ, और अब यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ स्मूथनेस के साथ, और इसको कीप सेलेक्टेड भी है और इसको ऑफ भी नहीं किया गया है, तो मैं बार बार इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं जो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए काफ़ी आसान तरीका है। उसके बाद दूसरा टूल है स्मूथ टूल। अब मान लीजिए कि आपने फ्री हैंड ड्राइंग का इस्तेमाल किया, ठीक है, और आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको अपने स्मूथ टूल को किसी भी एरिया के आसपास रब करना है और वो आसानी से स्मूथ हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप रेक्टेंगल टूल भी लेते हैं और स्मूथ टूल लेते हैं और आप इसके आसपास इसको रब करते हैं तो आप देखते हैं कि इसने रेक्टेंगल को भी स्मूथ करके एक अलग शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो स्मूथ टूल किसी भी तरीके की चीज़ को आसानी से स्मूथ करता है। आइए देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो फिडेलिटी और स्मूथनेस को इंक्रीज कीजिए, ये ज़्यादा मात्रा में होगा। कम मात्रा में करना चाहते हैं तो कम मात्रा में कीजिए, ये कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो एक और बार हम स्मूथ दे देते हैं। इस बार स्मूथ टूल इसको ज़्यादा मात्रा में आपने देखा फटाफट से इसने इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मात्रा में स्मूथ टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरा टूल है एक और यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल किस काम आता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये पाथ को डिलीट करने के काम आता है। आपने पाथ बनाया, यहाँ पाथ इरेजर लिया, और ये पाथ को ही डिलीट करता है सिर्फ। ठीक है, ये फिल को डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ पाथ को डिलीट करेगा। इसका एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने इसके अंदर एक पाथ है और फिल है, दोनों चीजें हैं, और अगर मैं पाथ इरेज़र टूल को पिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप सिर्फ पाथ को डिलीट कर रहा है। यहाँ पर पाथ डिलीट करने के लिए अगर आपको एक अच्छे टूल की जरूरत है तो आप पाथ इरेज़र टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कोई ऑप्शन पैनल नहीं खुल रहा है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ टूल से काम करता है, इसके साथ कोई ऑप्शन पैनल का तरीका नहीं है ना। अब आपके पास ये तीन टूल है, पेंसिल टूल जो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए है, स्मूथ टूल जो फ्री हैंड ड्राइंग करने के बाद आप किसी भी चीज़ को थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मूथ कर सकते हैं, और इरेजर टूल अगर आपने फ्री हैंड ड्राइंग करी और आप उसके से कुछ पार्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि उसको कहीं कहीं से अलग शेप देना है, तो आप आसानी से उसको इरेज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा इन तीन टूलों को, जो
फ्री हैंड ड्राइंग, स्मूथनेस और इरेजिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई चीज़ों के साथ फिर हाजिर होंगे।